नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। अररिया के गैयारी में मुसरी के पास NH57 पर एक बाइक सवार को पिकअप ने ठोकर मार दी, जिससे वह व्यक्ति घायल हो गया। घायल होने के बाद वह पास में रोड पे बने रेलिंग पे आकर बैठ गया। इसी दौरान पिकअप वाले ने पुनः गाड़ी को बैक कर उस व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई और चालक पिकअप लेकर फरार हो गया। मृतक का नाम मोहम्मद मूसा, उम्र लगभग 65 साल बताया गया है। मृतक घघरी पंचायत के डुमरा वार्ड नंबर 10 के रहने वाले थे। वह सुबह किसी काम से घर से निकले थे और इस घटना के शिकार हो गए। मौके पर पुलिस पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं इस घटना से लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। जी, कैसे हुआ ये घटना? जी, इसका नाम मोहम्मद मूसा है। यह इसका घर है डुमरा घघरी पंचायत। ये अपने गांव से किसी कागज़ पत्र के मामले से जो है कपड़े उपड़े लेने के लिए आ रहे थे बाज़ार, और गैयारी में जो है वो एक्सीडेंट कर गए। पिकअप वाले जो है उसको मतलब कि एक्सीडेंट कर दिया, तो पिकअप वाले जब उसको ठोके तो गाड़ी जो है बाहर में साइड में पड़ा हुआ था, और उसके बाद वो उठ करके जो है रेलिंग पे जाके वहाँ बैठ गए रोड पे, मतलब जो डायवर्सन होती है ना उसमें जाके बैठ गए। उसके बाद जो है बैक करके फिर दोबारा पिकअप वाले बैक करने के दरमियान में दोबारा से उसको चढ़ाया, उसके बाद उसको मतलब कि पीस दिया पूरा यहाँ पे जांग के तरफ। उसके बाद उसको जो है वहीं पे स्पॉट डेड कर गए। वो तो वहाँ पड़े रह गए, लेकिन वो जो गाड़ी का ऑनर या ड्राइवर जो भी है, जो खलासी, वो लोग जो है भागने के दरमियान में किसी घर वाले के सामने में, पूरब साइड में घर है, वो घर में जा कर के वहाँ पानी उनी पिए, फिर उसको वहाँ से रफा दफा कर दिए। हम लोग जब यहाँ गए तो देखे वहाँ डेड बॉडी पड़े हुए थे, फिर हम लोग उठा करके साइड किए और फिर उन लोगों को हम लोग पूछे तो भाई कहाँ गए, गाड़ी वाला कहाँ गया, तो गाड़ी वाला बताया गाड़ी वाला भाग गया। तो इसका जो लोग थे यहाँ पे वो लोग कहाँ गए, तो वो लोग भी कहाँ गए, हम लोग उसका ठिकाने लेकर रखे। तो हम लोग जो है कि धीरे धीरे फिर आदमी सबको बुलाए यहाँ पे, और बुलाने के बाद तो फिर हम लोग रोड जाम किए। इतने में फिर मुखिया जी आए हमारे, ये मसूद भाई आकर के बोले, गैयारी मुखिया, ये आकर के बोले जो कि आप आमिर भाई चिंता ना कीजिए, हम लोग इसका जो है सारा निर्णय लेंगे और जो भी करना होगा, जो प्रक्रिया करना होगा वो करेंगे हम लोग। गाड़ी पकड़ाया क्या? तो गाड़ी नहीं पकड़ाया, गाड़ी भाग गया, गाड़ी को भगा दिया गया। कितने बजे की बात है ये? 11 बजे की बात है। क्या नाम है? मोहम्मद मूसा नाम है। घर इनका डुमरा हुआ, पंचायत घघरी, कौन से वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 10 है। उम्र कितना होगा? उम्र 65 साल है। आप कौन हैं? हम उनके चचेरे भाई हैं। आपका नाम? मेरा नाम अमीरुल इस्लाम है। कब निकले थे घर से, कैसे ये हादसा हुआ? ये हम लोग घर से निकले उसके कहीं दूसरी जगह काम में, 9 बजे के आसपास में घर से निकले बाबू जी, और हम लोगों को 12 बजे के आसपास खबर मिला कि तुम्हारा बाबू जी डेथ कर गए, ऐसे ऐसे किसी ने चाप दिया। हम लोग आए तो वहाँ सड़क पर पड़ा हुआ मिला, हम लोग ग्रामीण सब आए आके उठा के हॉस्पिटल ले आए। वहीं स्पॉट डेड हो गए थे? वहीं स्पॉट डेड हो गए। वो घर से अररिया आ रहे थे? घर से अररिया आ रहे थे। क्या नाम है? मोहम्मद मूसा। आप कौन हैं उनके? मैं उनका बड़ा लड़का अख्तर हुसैन। घर आपका? डुमरा वार्ड नंबर 10। मुखिया जी, जब आप आए तो क्या देखा आपने? हम पंचायत भवन में थे, पंचायत में मालूम हुआ कि एक्सीडेंट हो गया और आदमी डेथ कर गया, तो हम यहाँ से तुरंत गए। इसे हमारा पंचायत का मामला था, हमारा पंचायत में था, तो हम वहाँ जब गए थे देखे कि आदमी ये लाश पड़ा हुआ है, तो उसके बाद मतलब आदमी सब जुटा, तो हम पता लगाए कि क्या बात कैसे हुआ, तो मालूम हुआ कि ये मतलब अररिया से जा रहा था मोटरसाइकिल से, इसमें धक्का लगा तो ये गिर गया, तो वो पिकअप भी रुक गया, पीछे हटा लिया, और उसमें एक आदमी जो था चला हुआ, वो आदमी देखा तो वो उतर करके उसको रोड से साइड, मतलब मालूम हुआ कि रोड से साइड कर रहा था घीच करके। हल्ला करने पर आदमी सब जो दौड़ा कि गाड़ी पकड़ो, ड्राइवर वो सोचा क्या कि हमको पकड़ेगा मारेगा, वो गाड़ी लेकर भाग गया, फिर उस पर चढ़ाते हुए निकल गया, गाड़ी चढ़ाते हुए निकल गया, तो ये वहीं डेथ कर गया। तो जो आदमी जो उसको घीच के बगल कर रहा था, वो आदमी का भी हालत ख़राब हो गया, वो भी भाग गया, तो उसको गांव वाला जा कर के पकड़ के उसको पूछा, कहा कि हम तो व्यापारी थे, हम उस गाड़ी पर माल लेने जा रहे थे गुलाबबाग, मतलब गाड़ी कुर्सा काटा का मतलब है, और हम कहे नंबर उम्बर क्या है, बोला कि नंबर हमको याद नहीं है, मतलब नंबर हम पता लगेगा अभी बता देंगे, और
मोबाइल में भी हमारा है उसका नंबर उमर तो, लेकिन वो मोबाइल भी गाड़ी में हमारा छूट गया। तो उसके बाद उसको हम फिर तहकीक के पता लगवाए कि क्या वो बोला कि हाँ मान लिया कि नंबर उमर हमारा समैती जब तक गया समैती को उसका कब्जा हम करवा दिए। आदमी का मुँह बहुत था कि कौन आदमी, हम कहे अभी इसको ले जाएगा तो उस जगह तो इसको मारिए देगा। उसका सब रिपोर्ट हम पता लगा लिया, सब चीज़ वो सब चीज़ लिख करके रखा है, क्या नाम किसका गाड़ी क्या है वो सब लिखा हुआ, अभी वो लोग वहीं पर है। अभी हम इसको हम अभी ला करके पोस्टमार्टम में लाए हैं। इसको अररिया से घघरी जा रहे थे, ये अररिया से घघरी जा रहे थे, ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे, अकेले थे। हाँ अकेले थे। आपका परिचय? हाँ, हम गैयारी का मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद मसूद आलम गैयारी।